बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रमदान स्पेशल पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनती है। ये बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इन रमज़ानों में। तो चलें शुरू करते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून ज़ीरा। आप अजवाइन या ज़ीरा दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, मुझे दोनों पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अजवाइन और ज़ीरा दोनों शामिल कर रही हूँ। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और कोई भी गुठली ना रहे। प्रेस करते जाएं और मिक्स करते जाएं, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। आप इसमें हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों की मदद से इसको रब करते जाएं। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिंगर से रब करते जाएं और ये देखें यकजान होते जा रहा है। आप भी इसी तरह इसको रब कर करके मिक्स कर लें। तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें सब यकजान हो गया है, हमें कोई भी गुठली नज़र आए तो उसको प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। अब हाथ में थोड़ा सा मैदा दबा के देखें, ये एक जगह सिमट जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करेंगे। 1/2 कप पानी लिया है, जो कि पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करते जाएं। और एक हार्ड डो तैयार करना है, इसीलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें, ताकि डो सॉफ्ट ना हो और थोड़ी हार्ड तैयार हो। जैसे ये है, हमारी डो तैयार है, आपको भी इसी तरह डो तैयार कर लेनी है। हाफ कप पानी में से भी इतना पानी बच गया है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और हार्ड डो तैयार कर लें। उसके बाद चंद कतरे ऑयल के डाल के इस पे फैला दें और फिर 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें। आप इसको गीले टॉवल से भी कवर करके रख सकते हैं। 15 मिनट्स के बाद हमारा डो सेट हो जाएगा। इसको हाथों से मसल लेंगे दोबारा। ये देखें हमारा डो सेट हो चुका है। इसको दोबारा से हाथों से अच्छे से मसल के स्मूथ कर लेंगे और दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। दोनों को पेड़े बना के रख लें। अगर आपकी डो पहले ही आपने सॉफ्ट भून ली, तो आपकी पापड़ी क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेगी। एक पेड़ा हम ले लेंगे और दूसरा ढककर रख देंगे, ताकि ड्राई ना हो सके। और दूसरी साइड पे ऑयल भी हल्की आंच पे गरम करने रख देंगे। हम पापड़ी बेलेंगे, इतने हमारा ऑयल भी गरम हो जाएगा। ये देखें पापड़ी के लिए डो बेल ली है और ये इतनी बारीक होनी चाहिए। अब हम फॉर्क की मदद से इसको प्रिक कर लेंगे। ये पहला मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको अच्छे से प्रिक कर लें, ताकि जब हम पापड़ी फ्राई करें तो बीच में से फूले ना और अच्छी सी क्रिस्पी और क्रंची सी पापड़ी तैयार हो। जिस साइज़ की पापड़ी आपको बनानी हो, उस साइज़ के कटर से आप पापड़ी कट कर लें। मैंने ये साइज़ की पापड़ी काटी है और बिल्कुल बारीक सी है। आप छोटा या बड़ा साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 कढ़ाई में डालते जाएंगे और जितनी कढ़ाई में आ सकेंगी हम उतनी डाल के फ्राई कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो आंच होगी तो जब ही ये क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। थोड़ी थोड़ी पापड़ी ऑयल में डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे हल्की आंच पे फ्राई होने में, जब तक हम दूसरी रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं।
ये सेकंड मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लें और जिस साइज़ का आपको काटना है उस कटर को फ्लोर में डिप करके इससे पापड़ी का शेप काट लें। पापड़ी कट करने के बाद आप इसमें फॉर्क की मदद से प्रिक कर लें। आप पहले प्रिक कर लें या बाद में प्रिक कर लें, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके से पापड़ी बनाएं और रमज़ानों में और वैसे भी इंजॉय करें। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पापड़ी फ्राई हो रही है। मैंने इसमें स्पून बिल्कुल नहीं चलाया था। अब देखें, ये थोड़ी सी क्रिस्पी होने लग गई है तो मैं इसमें स्पून चला रही हूँ और इसको हल्के से टर्न कर रही हूँ। ये तीसरा मेथड है, रोटी को बारीक सी बेल के इसको फॉर्क से प्रिक कर लें और फिर बग़ैर कटर के आप छुरी से कोई सा भी साइज़, कोई सा भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जिस भी शेप का बनाना चाहें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पापड़ी गोली बनाएं, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, तो आप इस शेप से भी ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर या डायमंड शेप, जो भी आपको पसंद हो उस शेप में कट करके रख लें। ये देखें, सारी पापड़ी हमने कट कर ली है। अगर आपका डो अच्छा बना होगा तो ये नीचे भी नहीं चिपकेगी और फ्राई करने के बाद सॉफ्ट भी नहीं बनेगी, इसलिए ध्यान रखें कि डो टाइट गुने। और ये देखें, प्यारा सा कलर पापड़ियों पे आना शुरू हो गया है। आपको लाइट गोल्डन पसंद हो या डार्क, उतना फ्राई करके निकाल लेंगे इसको। तो आपने सुना कि कितनी क्रंची और क्रिस्पी हमारी पापड़ी तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी इसी मेथड से पापड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम अपना सेकंड बैच फ्राई करने के लिए डालेंगे। ये देखें, ये इकट्ठा हो गई है पापड़ी, तो इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ऑयल में जाने के बाद आप इसको ज़रा सा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी। इनको भी बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। ये हमारा लास्ट बैच था। माशाल्लाह से यमी बनी है बहुत। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पापड़ी बनाने के बाद आप इसे बिल्कुल ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पे, और फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको आप किसी एयर टाइट जार में या बॉक्स में भर के रख सकते हैं और एक महीने तक ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची होगी। आप इसे एक महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और क्रिस्पी है। जब आप पापड़ी निकालने लगें तो इसी तरह छन्ने को झाड़ झाड़ के निकालें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। माशाल्लाह से देखें, पापड़ी तैयार हो गई है। बस ये थोड़ी सी रह गई थी जो मैंने अब डाल दी। इनको भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पापड़ी तैयार हो गई है, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत क्रंची बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।